राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के 10 इलाके देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में शामिल हैं। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 से लेकर 454 तक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों की लिस्ट वेबसाइट पर डालने को कहा था। दिल्ली का प्रदूषण गंभीर, भयानक और दयनीय हो चुका है। कोर्ट ने EPCA को आपात स्थिति के लिए पहले से उपाय करने और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से शिकायतें दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा है। वहीं देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। कानपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे नंबर पर है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रहा। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली करीब 2 दर्जन फैक्ट्रियों को बंद करवाया गया है। अब गाजियाबाद DM 100 पर्यावरण मित्रों को नियुक्त करने जा रहे हैं, जो हर एक वार्ड में कूड़ा ना जलने पाए इसकी निगरानी करेंगे। गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने के लिए डीजल गाड़ियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। गाजियाबाद में महज 17% गाड़ियां ही CNG से चलती हैं, बाकी 64% गाड़ियां डीजल पर हैं। 2016 में भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 1,00,000 बच्चों की जहरीली हवा के प्रभाव में आने से मौत हो गई थी। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के देशों में 5 साल से कम उम्र के 98% बच्चे 2016 में हवा में मौजूद महीन कण PM से होने वाले वायु प्रदूषण के शिकार हुए।